हेलो फ्रेंड्स, तो कार्बोहाइड्रेट्स की ये फोर्थ पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है, उसके साथ में हमने मोनोसैकेराइड्स देखे थे। सेकंड पार्ट में जो शुगर डेरिवेटिव्स होते हैं मोनोसैकेराइड के, वो देखे थे, एज वेल एज डाइसैकेराइड देखा था। थर्ड पार्ट में हमने पॉलीसैकेराइड एंड अदर फॉर्म्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट देखे थे। दिस इज़ फोर्थ पार्ट। जो आगे वाले चारों तीनों पार्ट्स अगर आपने देखे हैं, तो बहुत आसानी से आप इन क्वेश्चंस का आंसर कर पाओगे जो CSIR नेट के अंदर आए हुए हैं। माई सेल्फ डॉक्टर आरती शर्मा फ्रॉम सिद्धि विनायक इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेस अजमेर। तो स्टार्ट करते हैं प्रीवियस ईयर के कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है, ये 2003 दिसंबर में आया था। इसमें पूछा गया है, जो मिल्क शुगर होती है लैक्टोज, इसके अंदर लिंकेज कौन सी होती है? ग्लूकोज और गैलेक्टोज की 1,4 लिंकेज, ग्लूकोज एंड ग्लूकोज की 1,4 लिंकेज, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज की 1,6 लिंकेज, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज की 1,6 लिंकेज। तो हमें पता है लैक्टोज किसकी बनी हुई होती है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज की बनी हुई होती है, और लिंकेज कौन सी होती है, 1,4 लिंकेज होती है। तो आपका फर्स्ट आंसर इज़ करेक्ट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, 2007 जून में आया था। सुक्रोज एनोमेरिक फॉर्म में नहीं होती है, जबकि उसको जब हाइड्रोलाइज किया जाता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, उनमें एनोमर होते हैं। रीज़न क्या है? एनोमर मैंने आपको क्या बताया था, फर्स्ट कार्बन को हम एनोमर बोलते हैं। तो सुक्रोज क्योंकि बॉन्ड बनाती है, तो वो एनोमेरिक फॉर्म में नहीं होती है। तो ये इसके चारों ऑप्शंस हैं। फर्स्ट कार्बन जो ग्लूकोज का होता है, वो फर्स्ट कार्बन फ्रक्टोज के साथ में बॉन्डेड होता है। फर्स्ट कार्बन ग्लूकोज का सेकंड कार्बन फ्रक्टोज के साथ में बॉन्डेड होता है। सुक्रोज पॉलीसेकेराइड है, सुक्रोज सॉल्युबल नहीं है वाटर में। सुक्रोज वाटर में सॉल्युबल नहीं है, रॉन्ग। शुगर आप आराम से पानी में डिजॉल्व करते हो। सुक्रोज पॉलीसेकेराइड है, हो ही नहीं सकता, डाइसेकेराइड है। अब दो ऑप्शंस है आपके पास में, अगर आपको लिंकेज अच्छे से याद है तो आप इसका आंसर कर पाते हो। फर्स्ट कार्बन ऑफ ग्लूकोज सेकेंड कार्बन ऑफ फ्रक्टोज से बॉन्डेड होता है, तो इसका आंसर है बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, 2009 जून में आया था। मैक्सिमम पॉसिबल आइसोमर ऑफ ग्लूकोज कितने होते हैं? तो ये इनैंशियोमर से रिलेटेड है। कायरल कार्बन जब मैंने आपको पढ़ाया था पार्ट फर्स्ट में, उसका फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप इसका आंसर दे पाओगे। ग्लूकोज के कितने आइसोमर्स पॉसिबल हैं, हमने फॉर्मूला देखा था, 2^n। n क्या था? नंबर ऑफ कायरल कार्बन एटम। ग्लूकोज के अंदर कितने कायरल कार्बन एटम थे? 4। तो इनैंशियोमेरिक फॉर्म्स कितनी पॉसिबल थी उसमें? 16। ये मेरी स्लाइड में था, ये 2009 जून के अंदर आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, स्ट्रक्चर जो कार्बोहाइड्रेट का है वो दे रखा है इसमें, और इसमें आपको बताना है ये एक शुगर दे रखी है, इसमें बॉन्डिंग कौन सी होगी? 1-2 बॉन्डिंग होगी, 1-4 बॉन्डिंग होगी, 4-6 बॉन्डिंग होगी, या 2-4 बॉन्डिंग होगी? कार्बन नंबर भी मेंशंस है। तो आपको पता है कि ये एक यूनिट है, ये जा करके ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाएगी, तो फर्स्ट कार्बन तो इन्वॉल्व होगा ही, है ना? सेकेंड कार्बन से तो कभी भी नहीं होती ना बॉन्डिंग, तो फर्स्ट कार्बन इन्वॉल्व होगा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड में। पर ये जो बॉन्डिंग होगी, फर्स्ट कार्बन किसके साथ जाके बाइंड होगा? 4 कार्बन, क्योंकि ग्लाइकोसिडिक की जो बॉन्डिंग होती है वो हमेशा ज़्यादातर प्रेफर्ड 1-4 होती है, तो 1-4 लिंकेज इज प्रेफर्ड। और क्योंकि ये बीटा पोजिशन पर है, तो ये बीटा 1-4 लिंकेज ही होगी। नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं, सुक्रोज किस चीज़ का बना हुआ होता है? ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज का बहुत ईजी क्वेश्चन है, 2010 जून में आया था। देखो इतना इजी क्वेश्चन भी आ जाता है कभी कभार CSIR नेट में, लेकिन कंपोजिशन याद रहनी चाहिए। सुक्रोज किसकी बनी हुई होती है? ग्लूकोज गैलेक्टोज की, फ्रक्टोज गैलेक्टोज की, ग्लूकोज फ्रक्टोज की, मैनोज या फ्रक्टोज की। तो ये आंसर आपको ऑलरेडी पता है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज की बनी हुई होती है। नाउ नेक्स्ट हम देख लेते हैं, ग्लूकोज रेसिड्यूज जो अमाइलोज में होते हैं वो कैसे लिंक्ड होते हैं? 2013 दिसंबर का क्वेश्चन है, लिंकेज पूछी हुई है, पॉलीसेकेराइड है, अमाइलोज अभी हमने देखा था जो थर्ड PPT थी हमारी, उसमें इसमें कौन सी लिंकेज होती है? ग्लूकोज रेसिड्यू जो अमाइलोज में होता है ये लिंक्ड होता है, कौन सी लिंकेज से लिंक्ड होता है? α-1-4 लिंकेज से लिंक्ड होता है, स्ट्रेट चेन होता है ना अमाइलोज। नाउ नेक्स्ट हम देख लेते हैं, GAG पे भी क्वेश्चन आता है। GAG यूजुअली प्रोटीन से लिंक्ड होते हैं, थर्ड PPT थी मेरी, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था। तो इनमें से कोई एक है जो प्रोटियोग्लाइकन नहीं है, हियालुरोन, एग्रीकैन, बीटा ग्लाइकन, सिंडेकन 1। अब आप यहाँ 2014 दिसंबर का क्वेश्चन है,
तो आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हो कि मैम ने तो सिर्फ हियालुरोन बताया था और ये एग्रीकैन बीटा ग्लाइकन सिंडिकैन फर्स्ट नहीं बताया, तो इनमें से कोई ऑप्शन हो सकता है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो मैंने आपको बताया था सबसे सिंपलेस्ट GAG होता है हियालुरोन। हियालुरोन जो होता है, क्योंकि सिंपलेस्ट होता है, यही अकेला होता है जिसके पास सल्फेट नहीं होती और प्रोटीन से लिंक नहीं होता। तो इसका आंसर क्या है? फर्स्ट आंसर है। बाकी पे तो आपको देखना ही नहीं है कि वो GAG होते भी है या नहीं होते। नाउ नेक्स्ट हम देख रहे हैं, इनमें जो स्ट्रक्चर है, नीचे एक स्ट्रक्चर दे रखा है, स्टीरियो आइसोमर बताया हुआ है एल्डोहेक्सोज का। तो उस ये एक स्टीरियो डी ग्लूकोज है, एपीमर्स बताए हुए हैं। ये मैंने बताया था, डी ये पिक्चर आपको मैंने दिखाया था जो हमारी फर्स्ट स्लाइड थी। तो ग्लूकोज का एपीमर एक फॉर्म मैनोज भी है और गैलेक्टोज भी है, तो स्टीरियो आइसोमर है। इसके लिए कुछ स्टेटमेंट्स दे रखे हैं। जो डी ग्लूकोज है और डी मैनोज है वो एपीमर्स हैं, क्योंकि वो स्टीरियो केमिस्ट्री पे डिफर करते हैं सेकेंड कार्बन पे। डी ग्लूकोज और डी गैलेक्टोज एपीमर्स हैं क्योंकि वो डिफर करते हैं स्टीरियो केमिस्ट्री पे फोर्थ कार्बन पे। डी मैनोज और डी ग्लूकोज एपीमर्स है क्योंकि वो डिफर करते हैं थर्ड कार्बन पे। डी गैलेक्टोज और डी ग्लूकोज एपीमर है क्योंकि फिफ्थ कार्बन पे डिफर करते हैं। इनमें से करेक्ट ऑप्शन हमें बताने हैं कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2018 जून के अंदर आया हुआ है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा अगर आपने एपीमर्स पढ़े हुए हैं तो आप आसानी से इसका आंसर दे सकते हो। फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट आर करेक्ट, ठीक है। और कैसे करेक्ट है ये आप ध्यान से देख सकते हो, वेरिएशन। तो सेकेंड कार्बन एंड फोर्थ कार्बन, तो इसमें तो ये जो टॉपिक था यूनिट फर्स्ट का कार्बोहाइड्रेट था। फर्स्ट जो पार्ट था उसमें हमने कार्बोहाइड्रेट में मोनोसेकेराइड्स देखे थे एंड कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं वो देखे थे। सेकेंड पार्ट में हमने डाइसेकेराइड्स और मोनोसेकेराइड के डेरिवेटिव्स स्टडी किए थे। थर्ड पार्ट में पॉलीसेकेराइड एंड अदर कार्बोहाइड्रेट एंड फोर्थ पार्ट में हमने क्वेश्चंस स्टडी किए थे। थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब।